नमस्कार, हमारे साथ में है कुणाल चौधरी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ, हमें आपका नमस्कार। एक महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। अभी कुछ दिन पहले कमलनाथ जी ने पीसीसी में जो मीटिंग ली थी और कई प्रकोष्ठों की उन्होंने बैठक भी ली थी, और उसमें ये टारगेट उनका है कि जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, बीजेपी जो MLAs हैं, मंत्रीज हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी सीट को वो टारगेट रख रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, स्पष्ट है जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां जो झूठ और फरेब की राजनीति के माध्यम से जो विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती जाती है, जो फर्जी वोटरों के माध्यम से, फर्जी वादों के माध्यम से, और जिस तरीके से उनके ऊपर स्पष्ट है कि इन सीटों को टारगेट कांग्रेस पार्टी करेगी और उनको बताएगी कि जनता के साथ कितना बड़ा धोखा ये कर रहा है, किस प्रकार से छल और फरेब से जीत के खरीदे हुए जनादेश की सरकार बना के जनता का बुरा के हाल बुरे कर रही है। इन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे और सीधे स्पष्ट है बड़े नेता हमारे टारगेट में है। सर, पर जो बीजेपी है उनका कहना है कि कांग्रेस तो चुनावी पार्टी है, दिखती नहीं है, चुनावों में दिखती है बस। देखिए, बीजेपी को जो काम करना चाहिए ना, तो वो कभी कुछ काम करती। आज उनसे बात करने जाओ कि बेरोजगारी का क्या, उस पर बात नहीं करेंगे, महंगाई का क्या, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, महिलाओं के साथ इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे, किसानों की इतनी बुरी स्थिति हो रही है उस पर, वो रोज ही इधर उधर की बातें करने में लगे। मुझे लगता है अभी खरीदे हुए जनादेश की सत्ता में जनता का क्या भला उसके ऊपर चिंता करे। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है और जनता के बीच में, और जनता भी देख रही है कि कितना बेहतर 15 महीने का शासन रहा और कितना खराब शासन उसके बाद का जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का रहा। तो सर, हम ये संगठन में बदलाव कब तक देखने को मिलेगा हमको? देखिए, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम संगठन में काम कर रहे हैं और सब संगठन बेहतर रूप से चल रहा है, और ये मेरे स्कोप से बाहर का सवाल है कि मतलब क्या बदलाव क्या नहीं, हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। अब आपकी क्या तैयारी चल रही है 2023 को लेकर? देखिए, हम लोग बिल्कुल जो 15 महीने हमने काम किया, जो किसानों के हमने कर्जे माफ़ करे, बिजली के बिल कम करे, मोटरों के बिल कम करे, जो बेटियों के शादी के 51,000 दिए, जो तीर्थ दर्शन यात्राओं पे भेजे, जो हजारों गौशालाएं खेली, जो दूध के फेट के भाव बढ़ाए, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को मूल मुद्दों पर, कि जिनने बेरोजगार की बात करी थी 2 करोड़, वो कहाँ, अच्छे दिन की बात करी थी कहाँ, महंगाई कम करने की बात करी थी, मूल मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं। ये जो विभिन्न मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो आपको लगता है कि ये फैक्टर काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जनता समझदार है, जनता उन मुद्दों पे ही बात कर रही है और जनता परेशान हो चुकी है बीजेपी, ये रोज हिंदू मुस्लिम ये वो जाति संप्रदाय और कांग्रेस बीजेपी, इसकी बजाय जनता मूल पे बात कर रही कि आपने इतने साल सत्ता में हमारे लिए क्या किया, आप जिन मुद्दों पे आए थे उन मुद्दों का क्या हुआ। अभी जो दिग्विजय सिंह जी ने शिवराज सिंह जी से मिलने का टाइम मांगा था, जो अभी काफ़ी 10-15 दिन पहले की बात है, फिर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें कमलनाथ जी और शिवराज जी दोनों बात कर रहे हैं, तो यहाँ कई लोगों का कहना है कि एक तरीके से दिग्विजय सिंह जी को मिलकर बायकट किया जा रहा है, तो इसमें कितनी इन मूर्खताओं की बातों में कोई दम नहीं है। ये तो बीजेपी वाले लोग यही सगू पे करते, मैंने क्या कहा, मूल मुद्दों पर क्यों नहीं बात करती बीजेपी? आपने 2 करोड़ रोजगार का बोला था कि नहीं बोला था, काले धन का बोला था कि नहीं बोला था, महंगाई कम करने का बोला था कि नहीं, 50 रुपये डीजल पे शिवराज जी साइकिल चलाते थे जब $147 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, आज $70-80 प्रति बैरल क्रूड ऑयल है और अभी आज 100 के आसपास डीजल पेट्रोल है, तो उसके ऊपर शिवराज जी बात ही नहीं करते, तो ये तो बीजेपी के सगुफ है। और दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि पूर्व मुख्यमंत्री जनता के काम के लिए समय मांगता है और मुख्यमंत्री के पास समय नहीं होता है, झूठ बोलने के लिए टिफिन लेके रोज हेलीकॉप्टर से निकलने के लिए समय है, पर एक पूर्व मुख्यमंत्री को समय दे, दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का कत्ल करने पर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ धन्यवाद कुणाल चौधरी जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक विषयों को लेकर हमसे बातचीत की। इसी के साथ इतना ही, मैं सुमित शुक्ला, हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार। We'll be right back.